हम बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरण छवियों और संदर्भों सहित वीडियो में मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी व्यक्ति को बढ़ावा नहीं रोकता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृत करना। चवाला साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका जी न्यूज पर। आपकी आवाज तो बहुत सुनी है, लेकिन आप ये चेहरा ढककर क्यों बात करते हैं, खुलकर क्यों नहीं बात करते? जी भाई, आपने यानी ये अवसर दिया कि मैं अपनी बात आपके इस चैनल पर रख सकूं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चेहरा ढककर क्यों बात करते हैं या खुलकर बात क्यों नहीं करते, बात तो मैं खुलकर करता हूं, लेकिन चेहरा ढकना ये मेरी मजबूरी है। अगर मैं अपना चेहरा ना ढकूं तो ये चेहरा बाकी नहीं रहेगा। तो बहरहाल मुझे अपना काम करना है चेहरा ढक कर, क्योंकि इस्लाम जिस रहमत की और जिस मर्सी की बात करता है, इस्लाम की रहमत, इस्लाम की जो है मर्सी यह है कि इस्लाम को मानना छोड़ देने वाला अब वो अपना चेहरा नहीं दिखा पाता जी। तो बहरहाल जो है मुझे काम भी करना है और जो है मुझे अपना चेहरे को बाकी भी रखना है, इस वजह से ये मेरी मजबूरी है जी। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, फिर मैं विस्तार में जाऊंगा इसके, लेकिन पहला सवाल तो मेरा आपसे यह है कि आपने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया, क्या वजह रही? जो जो बच्चा 10-12 वर्ष की उम्र से कुरान से जुड़ा हुआ हो और इस्लाम से जुड़ा हुआ हो, वो जब सीनियर सिटीजन हो रहा है तब उसको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये धर्म ठीक नहीं है। देखिए भाई, असल में सच्ची बात तो यह है कि मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा जी, सिर्फ मैंने इस्लाम को मानना छोड़ा है। मैं इस्लाम को कैसे छोड़ सकता हूं जिस इस्लाम ने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ, जिस इस्लाम ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं? क्या छीन लिया? मैंने मानना, मेरे परिवार को छीन लिया, मेरे बाल बच्चों को छीन लिया, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मेरे वालिदैन को, मेरे बहनों भाइयों को, मेरे जो है मेरी बीवी को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्त अहबाब को, सब कुछ छीन लिया। यानी इस इस्लाम ने मुझे इस तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर लिया कि एक तो मैं अपना चेहरा छुपाता हूँ और अपनी शनाख्त, अपनी पहचान भी छुपाता हूँ। मैं अपने घर बार से बेघर हो गया। मैं अपने शहर, जिस शहर में मैंने जन्म लिया था, यानी जहां पर मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 60 बरस गुजारे थे, मुझे वो सब कुछ छोड़ना पड़ गया। ये मेरी मजबूरी हो गई। कैसे हुआ मैं और इसके लिए इस्लाम क्यों जिम्मेदार है? देखिए, बात यह है, इस्लाम के बारे में जितना बताया गया कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, अच्छा, ये बात वो है जिस तरह से हम कहते हैं कि हाथी के एक दांत तो होते हैं दिखाने के, लेकिन हाथी के दांत वो होते हैं जो असल जो खाने के होते हैं। इस्लाम के खाने के दांत वो कभी दिखाए नहीं जाते, दिखाने के दांत बड़े बड़े जो है बड़े खूबसूरत हैं, बड़े अट्रैक्टिव हैं। तो लोग जो है सिर्फ दिखाने के दांत को देख कर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं चूंकि ये खाए जाने वालों को जानता था और उन दांतों में कितना जहर है, कितना जहर है मैं चूंकि जान चुका था, अब मैं चूंकि घर का भेदी बन गया था। इस्लाम की बात यह है कि जो उसके घर का भेदी होता है और उसके बाद फिर इस्लाम को मानना छोड़ देता है, तो फिर इस्लाम उसको नहीं छोड़ता। इस्लाम इस बारे में कहता है कि मम बदल दीनहु फक्तुलू, जिस किसी ने दीन को, जिस किसी ने रिलीजन को, जिस किसी ने धर्म को छोड़ा, उसको कत्ल कर दो, जिसको हम बुखारी कहते हैं, जिसको मुस्लिम कहते हैं, जिसको तिर्मिजी, ऑथेंटिक हदीसों में ये बात आती है और ये हदीस के जो है शब्द है लिटरली, जिसका मतलब है जिस किसी ने धर्म को या दीन को छोड़ा, ठीक है, उसको फिर कत्ल कर दो। अच्छा, ये क्यों कत्ल करो? इसकी बात ये है कि इस्लाम जो है, यानी एक शख्स जान लेता है और उसके बाद छोड़ देता है, तो इसका मतलब यानी अब वो जो है वो घर का भेदी बन गया। अब ये इस्लाम के अंदर की बात वो दूसरों को बताएगा। नहीं तो पहले आपने कहा कि आपके परिवार को छीन लिया। सचवाला जी, मुझे ये बताइए कि परिवार को कैसे छीन लिया? परिवार वालों ने आपको छोड़ दिया इसकी वजह से, या कुछ ऐसा हादसा हुआ, क्या हुआ?
नहीं, मैं कहता हूं देखिए कि जिस वक्त मैं इस्लाम की जो है क्रिटिकल स्टडीज कर रहा था, जाहिर बात है मैं तो बचपन ही से मैं कुरान को हिफ्ज किया हूं, मैंने जो है जो मदरसे में जो तालीम होती है, मेरा असल एजुकेशन मदरसे का है जी। मदरसे में मैं जो है मैंने तालीम पाई है जिसको आलिम कोर्स कहते हैं, ठीक है, मौलवी या आलिम कोर्स होता है, मैंने वो तालीम पाई है अरबी में, मेरी जो है वो जो जिसको हम मीडियम ऑफ एजुकेशन कहते हैं वो अरबी की, उर्दू की, ठीक है। तो जिस जमाने में मैं तालीम हासिल कर रहा था उस वक्त मैं बच्चा था जी, लगभग मेरी उम्र जो है 14-15 साल ऐसी कुछ थी। तो उसके बाद जो है मैं 16 साल की उम्र में मैं जो है क्योंकि कुरान जिस तरीके से मैं जानता था पढ़ता था, तो मैं यानी अपने एरिया अपने जो है जो मैं सिटी का नाम नहीं लूंगा, उस सिटी से मेरा सिलेक्शन हुआ मक्का में एक इंटरनेशनल जो है एक कॉन्टेस्ट होता है कुरान के हिफ्ज का और किरात का, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं अपने जो है अपने देश की जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं मक्का एक एज ए स्टूडेंट अंडर 16 स्टूडेंट जो होते हैं उनमें मेरा सिलेक्शन हो गया। आप यानी हिंदुस्तान से मक्का गए? जी हाँ, हिंदुस्तान से मक्का, और जो है ये सऊदी हुकूमत के खर्च पर मैं जो है अपने देश की नुमाइंदगी अपने देश की रिप्रेजेंटेशन के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। उस जमाने में मेरी उम्र जो है 16 साल थी। तो मैं मक्का गया, वहां पर हम जो है टोटल लगभग 29 डेज रहे, यानी 21 दिन जो है मैं मक्का में रहा और 7 दिन मदीना में रहा, 2 दिन जद्दा में रहा। तो इस तरह से जो है देखें ये मक्का में मैं जब जो है अपने कुरान के जो है इस कॉन्टेस्ट में मैं जो है जिस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करता था कुरान को पढ़ता था, तो यानी उस वक्त मुझे बहुत से एंकरेजियस प्राइजेस भी मिले। और एक और बहुत खास बात यह हुई कि जिसे हम काबा कहते हैं, आपने भी जरूर देखा होगा मक्का में एक जो है कमरे की शक्ल में बना है जी जी। वो उस काबा में हर कोई नहीं जा सकता, अंदर जाने की बात। तो मैं और मेरे जितने पार्टिसिपेंट थे उन सबको अंदर जाने का अवसर मिला। ये यूं समझिए कि इस्लाम में बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा ऑनर है। यानी जब मैं मक्का से वापस आया तो मेरे खानदान के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, यानी मेरी उम्र सिर्फ 16 साल है और खानदान के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग मुझे गोद में उठाते और मेरा माथा चूमते थे, यानी इतना बड़ा ऑनर मिला। और जाहिर बात है कि मैं काबा के अंदर गया, 6 रकत नमाज पढ़ा और फिर जो है वहां से मुझे बहुत से प्राइजेस मिले, एंकरेजियस प्राइजेस। तो मैं वहां से आने के बाद ठीक, तो मैं बच्चा था 16 साल की उम्र थी और जो है ये ईमान का सिलसिला चल रहा है और मैं जो है मैं अपने इलाके की मस्जिद में मैं नमाज भी पढ़ाता रहा, तरावी की नमाज और जो है दूसरी नमाज। उसके बाद मेरी उम्र जब 17 साल हुई तो मैं सऊदी अरब चला गया जॉब के लिए। तो मैं कुरान का या अरबी का कैलीग्राफिस्ट हूँ, मैं जो है फ्री हैंड कैलीग्राफी करता हूँ। तो इसी काम पर जो है मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं वहां पर एक बहुत बड़ी जो है कंपनी में मेरा जो है मैं जॉब करता था। मैं लगभग वहां पर 31 ईयर्स यानी 31 साल मैं वहां जॉब किया, ठीक है जी। तो ये 31 साल के दौरान मैं वहां पर बड़े बड़े उलमा और जो है वहां जो अरब हैं उनके साथ मेरा उठना बैठना होता, मैं उनके साथ बहुत सारी बातें डिस्कस करता, यानी इस्लाम को समझने का भी मौका मिला। ये जो है जो मेन बुक्स हैं इस्लाम की उनको भी पढ़ने का और जो है उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जो जो, जो सऊदी स्कॉलर जो अरब स्कॉलर थे उनके साथ मेरा बहुत सारा टाइम गुजरता। तो ये भी अभी ईमान का सिलसिला चल रहा है। लेकिन जब मैं जो है यानी लगभग 31 साल वहां गुजारने के बाद अल्टीमेटली मुझे जब मैं अपने देश आ गया तो कुछ बातें ऐसी रही जो स्पेशली हदीस को लेकर, यानी जो है इस्लाम में दो चीजें हैं, एक है कुरान और एक है हदीस, ठीक है। तो हदीस को लेकर मेरे सामने बहुत से डाउट्स आ गए, कुछ ऐसी ऐसी बातें आई जिसको जो है वाकई मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल पे आता हूँ कि लेकिन पहले सिलसिलेवार में चीजों को जोड़ता जाऊं क्योंकि दर्शकों को इससे आसानी होती है। मेरा सवाल यह, आपने कहा कुरान है दूसरा हदीस है, तो कुरान के बारे में तो यह कहा जाता है कि इसको अल्लाह ने मोहम्मद साहब के ऊपर उतारा जब मोहम्मद साहब आए, लेटर टू लेटर वर्ड टू वर्ड जो है ये वर्ड ऑफ गॉड है, ये बात जो है ये क्लेम है। और दूसरा हदीस क्या है? अच्छा, हदीस जो है जिस तरह से कुरान वर्ड ऑफ गॉड है उसी तरह से हदीस के बारे में ये क्लेम है कि ये वर्ड ऑफ प्रॉफिट है जी, मोहम्मद साहब ने कहा प्रॉफिट में, जी हाँ, प्रॉफिट मोहम्मद का या जो है जो जिसको प्रॉफिट मोहम्मद कहा जाता है उनके वर्ड्स हैं या उनकी सेइंग्स हैं, ये क्लेम किया जाता है जी जी। तो अब मैं ये सेइंग्स का जो है जाहिर बात है उसमें बहुत सारी किताबें हैं, लगभग जो है 50 किताबें कह सकते हैं। तो मैं अपने मदरसे में अपने जामिया में ये किताबें पढ़ता भी था लेकिन जो है कई मौकों पर मुझे कुछ बातों का डाउट होता था।
तो मैं एक्चुअल आपके जो सवाल है उसी के जवाब की तरफ आ रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे एक मिनट दीजिए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, इससे आपको लोगों को समझ आएगा कि हदीस में किस तरह की बातें हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जिस वक्त मेरी उम्र जो है लगभग 15 साल है, 14-15 साल, मैं अपने मदरसे में पढ़ रहा हूँ, हमारे जो उस्ताद हैं, हमारे जो टीचर हैं, वो हदीस पढ़ा रहे हैं। तो हदीस पढ़ाने के दौरान उन्होंने एक हदीस पढ़ाई, तो उसमें ये लिखा है कि रसूलुल्लाह यानी प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, यानी उनके सामने एक पीने की कोई चीज एक कटोरे में पेश की गई, वो पीना ही चाहते थे, उसमें मक्खी गिर गई, मक्खी गिर गई। तो प्रॉफिट ने क्या किया, अपनी उंगली से उस मक्खी को पूरी तरह से डुबोया अंदर, उसको इस तरह से निकाला और मक्खी को फेंका और वो दूध पी गए। तो ये बात यानी मेरे लिए सुनकर मैं अजीब सा मुझे लगा, यार ये कैसे प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ऐसे करते हैं। लेकिन मैं जो है मैं उसी समय जो है मैं अपने टीचर से पूछा कि मौलाना क्या रसूलुल्लाह ऐसा करते थे, तो कि ये बात जो है वाकई ऐसा है। तो वो मौलाना जो है नाराज हो गए जी। तो कहने लगे तुझे, उस वक्त मैं चुप हो गया ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं अपनी क्लास में मेरी एज सबसे कम थी, मैं बहुत कम उम्र था, मैं चुप हो गया। लेकिन उसके चंद महीनों बाद वही उस्ताद जो है बैठे हैं और जो है हदीस का दर्द दे रहे हैं। उनको ये होता है कि दिन में एक बार चाय पेश की जाती है, वो चाय वाला आता है, चाय देकर चला जाता है। तो लिटरली ये हुआ कि उनको चाय पेश की गई कप में, अब वो कप में चाय पीना ही चाहते हैं, उसमें मक्खी गिर गई। अब उन्होंने जो है शोर मचाना शुरू किया, अरे चाय वाले को बुलाओ, चाय वाले को बुलाओ। तो लड़के गए चाय वाले को बुलाए, कहने लगे यार इसमें मक्खी गिर गई, फेंको जो है दूसरी चाय लाओ। तो चाय वाला वो चाय फेंक दिया, दूसरी चाय ला के दिया, चाय पीने लगा। तो मैं हैरानी से उनको देख रहा मौलाना को, मैंने कहा कि मौलाना रसूलुल्लाह तो मक्खी गिरी हुई मक्खी गिरा हुआ मशरूब पी लेते थे, आपने पीने से इनकार क्यों कर दिया। अब आप बताइए, एक बच्चा है जिसकी उम्र अभी 15 साल है, ये सवाल किया। क्या आप वो हदीस कोट कर सकते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? जी हाँ, अब एक्चुअल जो है वो ये तिर्मिजी में भी है, ये ऑथेंटिक हदीस है। मैं जो है उसके उस हदीस के लेटर वर्ड्स को मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई भी जो है उसको चेक कर सकता है, ऑथेंटिक हदीस है। ठीक है, यानी अगर जो है वो उसको हदीस उस जुबाबा कहते हैं, जुबाबा कहते हैं मक्खी को, मक्खी वाली हदीस अगर आप जो है गूगल करेंगे तो उसमें आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी, ऑथेंटिक हदीस है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि मौलाना से जब मैंने ये सवाल किया, एक बच्चा है 15 साल की उम्र का बच्चा है, सादा सीधा जमाना है, तो ये सवाल करते ही मौलाना जो है आग बबूला हो गए, कहने लगे बदतमीज चुप हो जाओ। तो मैं सहम गया, मैं चुप हो गया। लेकिन अब आप देखिए कि यहां जो है मेरे अंदर एक शक का कीड़ा जो है यानी पैदा हो गया। अब आप देखिए कि शक वो कीड़ा है जो कभी नहीं मरता, हमेशा जिंदा रहता है, बल्कि टाइम टू टाइम उस कीड़े के बच्चे, उसकी जो है बाल बच्चे होते हैं, फैलता रहता है जी। तो यही चीज थी कि जो है वक्त के साथ साथ जो मेरे अंदर ये सवालात उभरने लगे, तो एक टाइम ये आया कि मैंने हदीस के जखीरे को मानने से इनकार कर दिया। मैंने ये कहा कि या फिर मेरा ये समझना था कि हदीस तो इंसानी कलाम है, मैं अल्लाह का जो कलाम है सिर्फ उस पर बिलीव करूंगा, मैं जो है हदीस पर, क्योंकि इंसानी मतलब मैं नहीं कर सकता। तो यही बात थी लगभग आज से 6 साल पहले की बात है, जब मैंने हदीस के जखीरे को मानने से इनकार कर दिया तो मेरे परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया। क्योंकि जब मैं हदीस को मानने से इनकार करूं तो इसका मतलब यह है कि मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं जो है मैं रोजा नहीं रख सकता, क्योंकि ये सारी चीजें हदीस में है, कुरान में नहीं। कुरान हमें नमाज पढ़ने की का हुक्म नहीं देता, कुरान हमें रोजा रखने की बात नहीं बताता। जो जाहिर बात है मैं कुरान को फॉलो कर रहा हूँ, कुरान को लिटरली वर्ड ऑफ गॉड जो है मेरा ईमान है और मैं अल्लाह पर ईमान रख रहा हूँ। लेकिन तो आप ये कह रहे हैं कि आप कुरान को जैसा लिखा है वैसे ही फॉलो करते हैं अभी भी? मक्खी वाला आपने जिक्र किया, केवल उसकी वजह से आपने हदीस को अपने हिसाब से खारिज कर दिया या फिर कई और चीजें ऐसी थी? नहीं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, कितनी ऐसी। अब जो है मैं अब अगर कुछ बातें डायरेक्टली जो है बताऊं तो शायद हमारे मुसलमान भाइयों को जो है दुख होगा, मैं सिर्फ इशारा देना चाहता हूं। और बहुत से मुसलमान भाई आज की तारीख में हदीसों का इनकार करने लगे हैं, और मुझे लगता है कि ये एक्स मुस्लिम की कोशिश का नतीजा है, ये ऐसा हो गया है आज की तारीख में। मगर मैं जो बात कर रहा हूँ आज से लगभग 6 साल पहले, तो उस समय जब मैंने हदीसों का इनकार किया तो इस कारण
मेरे परिवार वालों ने ये देखा, क्योंकि उनके उलमा उनके स्कॉलर ने ये कहा कि अगर एक शख्स हदीस का इनकार करता है तो वो नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता। तो फिर हदीस में ये भी कहा गया है कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, यानी जिस किसी ने जानबूझ कर नमाज को छोड़ा उसने गोया के कुफ्र किया और काफिर हो गया। तो इस कारण जो है अब ये जो मेरे जो है मेरे परिवार स्पेशली मेरी वाइफ को उनके उलमा उनके स्कॉलर ने ये बताया कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो गोया काफिर हो गया, और तुम अगर काफिर के साथ रहती हो तो इसका मतलब तुम उसके साथ जो है एडल्ट्री कर रही हो, तुम जिना कर रही हो जी, तुम उसके साथ संबंध नहीं रह सकती। तो इस कारण ये सारे के सारे लोग एक एक करके चंद महीने चंद जो है एक आध साल के अंदर अंदर सब लोगों ने टोटली मेरे साथ बायकॉट कर लिया। न सिर्फ बायकॉट नहीं किया बल्कि हदीस में ये भी आता है कि मेरे पिताजी ने और मेरी बहनों ने ये कहा कि ये तो शुक्र है कि तुम भारत में हो, अगर तुम किसी पाकिस्तान या इस्लामी देश में होते तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाती क्योंकि तुमने इस्लाम को छोड़ा है, तुम बच गए इसलिए कि तुम भारत में हो, अगर तुम भारत में नहीं किसी इस्लामी देश में होते तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाती। ये उनका लिटरली मेरे पिताजी का मेरी बहनों का कहना था, लेकिन एक बात बताइए, अभी आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज आपकी बातचीत स्वाभाविक, परिवार वाले जानते होंगे, खतरा तो अभी भी है कि नहीं? जी हाँ जी हाँ, खतरा तो है, अब इतना है कि फिर भी मैं कह सकता हूँ कि मैं भारत में हूँ, एटलीस्ट मैं इस्लामी देशों से कंपेरेटिवली मैं सेफ हूँ, मगर जोखिम क्यों बोल ले रहे हैं? अब ऐसा है ना मेरे भाई के, देखें इस्लाम की रियलिटी आखिर कब तक दुनिया के सामने न आए, आना तो है ना। ठीक, तो पहले फेज में आपको लगा कि हदीस में कई ऐसी बातें हैं जो नहीं मानी जा सकती, आप कुरान पे यकीन रखते रहे, फिर क्या हुआ? जी हाँ, अच्छा तो मेरे परिवार वाले उस वक्त मुझे छोड़े, जिस वक्त अभी मेरा है कुरान पर और अल्लाह पर यकीन है उस वक्त उन्होंने मुझे छोड़ा। ठीक है, लोग ये समझते हैं कि शायद मैं आज जो जैसा हूँ इस वजह से छोड़ा, नहीं, मैं आज से 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त अभी कुरान पर मेरा और जो है अल्लाह पर मेरा यकीन है उस वक्त की बात है। अच्छा, जब ये चीज हो गई तो मैंने जो है अब जो परिवार वालों ने छोड़ दिया तो मैं बिल्कुल तन्हा हो गया, यानी जिस तरह की जिंदगी मैं गुजारता था तो मैं अल्लाह के सामने रातों को उठकर लिटरली रोता था। वो बातें, वो दौर, वो जमाना, वो रातें मुझे याद आती हैं तो मुझे आज भी रोना आता, किस तरीके से मैंने अल्लाह को पुकारा, मैंने अपने दिल से जिस तरीके से अल्लाह को पुकारा कि अल्लाह अगर तू है और तेरा जो है ये वाकई ये कलाम ये जो है कुरान तेरी ही किताब है तो मुझे तू बचा लेना, भले दुनिया मुझे छोड़ दे लेकिन मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं। मैंने ये सिलसिला कई रातों तक, रातों में उठ उठ कर जो है मैंने दुआएं की, मैंने इल्तिजाएं की, लेकिन मसला ये था कि कोई अल्लाह होता तो ऐसा कुछ होता ना, तो कुछ नहीं हुआ। तो मैंने जो है फिर हदीस का जखीरा तो मैं छोड़ दिया था, मैंने फिर कुरान पर फोकस करना शुरू किया कि भाई देखें, तो मैं ये सोचता था कि मैं अपने आप से सवाल करता था कि मैं एक ऐसी चीज को छोड़ रहा हूं जिसे मैं समझता हूं कि जो है ये हदीस है, लेकिन बात यह है कि जिन हाथों से हदीसें हम तक पहुंची हैं उन्हीं हाथों से कुरान हम तक पहुंचा है। तो मैंने अपने आप से सवाल किया, मैं एक चीज को छोड़ रहा हूं लेकिन दूसरी चीज को क्यों पकड़ा हुआ हूं, ये सवाल मैंने अपने आप से किया जी। तो ये सवाल जब किया तो मैं जो है कुरान पर फोकस करना शुरू किया, यानी क्रिटिकली। देखें बात ये है कि एक आदमी जब तक मानने की पोजीशन में होता है तो हर चीज को मानता चला जाता है, लेकिन जब आदमी जो है मानने को जो है बाजू रखकर जानने के लिए जो है जब कदम बढ़ाता है तो वहां उसके सामने कोई और ही दुनिया होती है। तो मेरे सामने एक और दुनिया थी, मैंने पूरी तरह से कुरान के टेक्स्ट पर गौर किया हर चीज को, हालांकि मैं पढ़ा हुआ तो था, मैंने कई बार कुरान को पढ़ा है, लेकिन एक क्रिटिकली पढ़ना गौर करना एक अलग बात होती है। तो यहां से मैंने कुरान पर जब क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू किया, एक एक आयत को, एक एक वर्ड को, उसके एक एक लेटर को, तो मेरे सामने जो बातें आई, तो अब इसके बाद मैं कुरान पर ईमान नहीं रख सकता था क्योंकि कुरान में ऐसी ऐसी बातें थी, जाहिर बात है कि मुझ जैसा क्रिटिकल एनालाइज करने वाला शख्स कुरान पर अब ईमान नहीं रख सकता था। तो एक वक्त वो आया कि अब जो है फाइनली मैं कुरान को मानना छोड़ चुका हूं, मैंने कुरान को नहीं छोड़ा, मैं आज भी जब इस्लाम पर बात करता हूं तो मेरे सामने कुरान बेस होता है, क्योंकि देखें जब आप कोई बात करें तो कुछ तो एक आपके सामने बेस ऐसी क्या बात है। ठीक है, ये तो आपने मानना छोड़ दिया, मेरे दो सवाल हैं बहुत छोटे छोटे कि जिन चीजों को
आप 60 साल तक लगभग साथ में लेकर चलते रहे, रोज पढ़ते रहे, नमाज रोज पढ़ते रहे, उस वो चीजें आपको 60 साल की उम्र में जाके समझ में आई, जबकि आप बता रहे हैं कि 16 साल की उम्र में आप इतने काबिल थे कि आपको काबा में बुलाया गया, अंदर गए, वहां पे आपने नमाज पढ़ी, अब आप बता रहे हैं कि मैं 60 साल की उम्र तक ये एनालिसिस करता रहा कि क्या ठीक है क्या गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है, 60 साल की उम्र आप नहीं कह सकते कि जो है, जिस वक्त मैं आज से 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त मैंने हदीस को छोड़ा, उसके बाद लगभग जो है 2-2.5 साल का टाइम या 3 साल का टाइम ऐसा गुजरा जिस वक्त मैं कुरान को प्योरली जो है ये लिए है मतलब क्रिटिकल एनालाइज करने लग गया जी। तो ये इन 2-3 सालों के दौरान मुझे कई ऐसी बातों का पता चला कि जो हमसे छुपाई गई थी। क्या छुपा लिया गया? देखें, एक सबसे पहली बात तो है कि कुरान की प्रिजर्वेशन को लेकर हमें बचपन से ये बताया गया है, और आज भी मस्जिदों के मिंबरों पर ठहर कर हमारे स्कॉलर यही कहते हैं कि कुरान डे वन से आज तक लिटरली उसका एक एक लेटर, एक एक जो है वर्ड, उसका एक एक जबर जेर पेश एज इट इज चला रहा है। तो ये अकीदा हर मुसलमान का होता है, मेरा भी यही अकीदा था। जब मैंने इस अकीदे को खंगालना चाहा, जब मैंने इसको जांचना परखना चाहा, तो अब इसके लिए मुझे काफी टाइम लगा, लगभग जो है कई महीने लगे। जब इसको मैं जो है खोदने लगा तो एक एक दिन मेरे लिए जो है पहाड़ जैसा होता, ऐसी ऐसी बातें मेरे सामने आती। तो फाइनली मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि कुरान जो आज हमारे पास है वो एक्चुअली 8th century में इस शक्ल को पहुंचा, जबकि प्रॉफिट की डेथ हो रही है 632 AD में प्रॉफिट की जो है डेथ हो रही है, और ये कुरान इस शक्ल में हमारे पास जो है ये 8th century में हुआ। अब आप देखिए कि कितना बड़ा बीच में गैप है। सवाल ये है कि प्रॉफिट ने अपनी जिंदगी में कुरान को ये शक्ल क्यों नहीं दी? दुनिया के जहां जहां जितने बड़े बड़े म्यूजियम्स में जो कुरान पाया जाता है वो सारा का सारा 8th century के बाद का है। दुनिया का सबसे पुराना कुरान वो है अलजामिया अल कबीर सनआ, जो कि जो है नॉर्दर्न यमन का जो है एक सिटी है बहुत मशहूर, वहां की एक जामे मस्जिद के तहखाने में बहुत सारे जो है मतलब जो है मैन्युस्क्रिप्ट पड़े थे। तो किसी वजह से वो मैन्युस्क्रिप्ट जब सामने आए तो वो जो है वो यमनियों को पता नहीं था कि ये कब के हैं क्या है, तो जो है वो जर्मन एक जो है मतलब एक पूरा वफद गया वहां, जो उनकी डेलीगेशन पहुंची जो देखा, तो बर्लिन के जो है एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में ये सारा का सारा मामला रेडियो कार्बन डेटिंग हुई, तो पता चला कि ये कुरान यानी है दुनिया का सबसे आखिरी कुरान है। मगर मसला यह है कि वो भी इनकम्प्लीट है। और दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल उस मैन्युस्क्रिप्ट के साथ ये थी कि वो एक्चुअल जो है पैलेमसिस पर लिखा हुआ है। पैलेमसिस जो है असल में उस मुसव्विदे को कहते हैं जिस पर एक बार कोई चीज लिखी जाए उसके बाद उसको मिटा दिया जाता है, मिटाकर फिर दूसरी चीज लिखी जाती है। ये पैलेमसिस असल में इस तरह से लिखा हुआ है कि एक बार लिखा गया उसको फिर मेट दिया गया, उसके बाद कुछ अरसा कुछ टाइम गुजरने के बाद दोबारा लिखा गया। लेकिन अब देखें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने उन बातों को उन राज को भी जो है फाश कर दिया है जो शायद लिखने वालों को इसका अंदाजा भी नहीं था जी। तो नीचे जो लिखी हुई जो इबारत थी ऊपर वाली इबारत से बहुत कुछ मुख्तलिफ है, बहुत कुछ डिफरेंट है। तो इसका मतलब यह है कि ये वो जमाना है, अभी कुरान इवोल्यूशन से गुजर रहा है। कुरान के बारे में जितनी बातें बताई जाती हैं वो सारी की सारी गलत हैं। यानी जो हमारे पास लिटरली जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसका कंक्लूजन यह है कि कुरान ये जो है इवॉल्व होता हुआ इस शक्ल को पहुंचा, और यह इसके पास हमारे पास हार्ड एविडेंस है। यानी आप ये दावा कर रहे हैं कि जो ये कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कहा, अल्लाह की सीधी बात कुरान में लिखी है, ये ऐसा नहीं है, ये इंसान की लिखी हुई है, ये लोगों ने लिखा है। लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल ये है, फिर भी मेरा एक सवाल ये है कि आपको कुछ फैक्ट्स पे दिक्कत है, किसी आयत पे कोई दिक्कत है, या फिर केवल आपने ये मान लिया कि चूंकि ये किसी ने लिखी होगी? स्वाभाविक है कि अगर जमीन पर किसी ने पढ़ी है तो किसी ने तो लिखी होगी, वो अल्लाह ने लिखी है या इंसान ने लिखी है वो आपके लिए बहस का विषय हो सकता है, लेकिन किसी ने तो लिखी है, यकीन क्यों नहीं रख रहे? मैंने फिर कहा, आपने कहा कि 60 साल नहीं, मैं 50 साल इसको लगा लेता हूं उम्र को, लेकिन फिर भी आपने पढ़ी, पढ़ते रहे, आप आलिमे दीन की तरह बच्चों को पढ़ाते रहे, फिर क्या ऐसा आपने उसमें पा लिया इस एनालिसिस के दौरान कि आपको लगा कि नहीं अब इसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए भले ही चेहरा ढक के करनी पड़े? देखिए, बात यह है कि एक चीज है जब जिसके बारे में यह कहा जाए, यह क्लेम हो
कि ये जो किताब, ये जो कलाम है, ये लिटरली लेटर टू लेटर, वर्ड टू वर्ड उसकी तरफ से है या उसका कलाम है जिसको हम, जिसको खालिक़े कायनात यानी मतलब क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। अब आप सोचिए कि ये क्लेम बजाते खुद कितना हेवी है, यानी यूं समझिए कि क्लेम यानी हमारा पर्वत से भी ज्यादा भारी भरकम है। लेकिन जब आप इसके एविडेंस पर जो है जाएंगे तो जब मैं देखता हूं कि भाई इतना बड़ा जो है भारी भरकम क्लेम है तो इसका एविडेंस क्या है, इस किताब के अंदर क्या एविडेंस है, इस किताब के बाहर या इस किताब को लेकर जो हिस्ट्री जुड़ी हुई है उसमें क्या एविडेंस मिलता है। जब मैंने लिटरली इन तमाम बातों पर गौर किया, तो जाहिर बात है कि बातें मैं ऐसे नहीं, मेरे अपने चैनल जो कि सच वाला जो है यूट्यूब चैनल है उस पर मैं डेली अपनी बातें इसको लेकर मैं कहता रहता हूँ, स्कॉलर से भी मेरी जो है डिस्कशन होती है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्लेम तो इतना बड़ा है लेकिन जब एविडेंस पे आते हैं तो आप सोचिए कि यानी आपके पास हिमालय से भी भारी भरकम क्लेम है लेकिन जो है एविडेंस क्या है, एक छोटे से जो है चूहे जितना है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि देखिए धर्म तो जो है आस्था का विषय है, धर्म आस्था का विषय है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंसान के सामने एविडेंस के रूप में नहीं हो सकती क्योंकि हम उनको मानते हैं एक मान्यता के रूप में। क्या सच वाला ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो देखेंगे उसी पे यकीन करेंगे, जो सामने खड़ा हो जाएगा आके तभी मानेंगे कि अल्लाह है या भगवान है? नहीं, यह है, मैंने अल्लाह पर कभी सवाल नहीं उठाया जी, वो मेरा सब्जेक्ट है भी नहीं। मेरा सब्जेक्ट है कुरान जो कि लिटरली फिजिकली इंसान के हाथ में होता है। जब मैं इस पर जो है गौर करता हूँ, जब मैं इसको एनालाइज करता हूं तो अब मुझे ये देखना होता है कि ये जो कलाम है, ये जिस तरीके से अपनी बात पेश कर रहा है, इसमें जो कुछ कहा गया है क्या वो वाकई ऐसा है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिसको हम ये कह सकें कि हाँ भाई ये किसी खालिक़े कायनात की तरफ से है। ये है असल जो है चर्चा का विषय, ये है कि आप ये न, मैं ये मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे अल्लाह को देखना है, नहीं, ये क्लेम हो भी नहीं सकता। अल्लाह को देखने की बात मेरी जो है मेरा सवाल नहीं है। मैं कुरान के टेक्स्ट पर, क्योंकि हमेशा कुरान के टेक्स्ट पर गौर करता रहा हूं, उस टेक्स्ट जब मैं गौर करता हूं तो वो किसी भी एंगल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी मतलब नॉन ह्यूमन नहीं लगता। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, अगर ऊपर वाले को आपके साथ कम्युनिकेट करना है, इंसान के साथ कम्युनिकेट करना है खालिक कायनात को, तो मुझे ये बताइए कि वो तो आपकी जबान में बात करेगा ना। अगर आपको जो भाषा नहीं आती मैं उसमें बोलूं तो समझ आएगा क्या? तो वो तो सवाल करके रखेंगे कि नहीं? देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्लेम भी यही है कि जो है कुरान एक डिटेल बुक है, कुरान क्लियर कट बुक है, कुरान में हर चीज को पूरी क्लैरिटी के साथ पेश किया गया, ये क्लेम खुद कुरान का है जी। लेकिन जब आप कुरान की वर्सेस पर गौर करेंगे तो हर चीज उसमें जो है वेग है, हर चीज हर तरह की उसमें एम्बिग्विटी है, और इस तरह से कुरान उन जो है वो इंटरप्रेटर्स का, उन ट्रांसलेटर्स का मुहताज है जो इसको इंटरप्रेट करते हैं। इसका मतलब अल्लाह इंटरप्रेट नहीं कर रहा, हमें क्या पता कि अल्लाह का क्या कहना है, भाई इंटरप्रेटेशन सारी हमारे पास इंसानों की आ रही है। मैं जब देखता हूं कि जो है अल्लाह क्या कहना चाह रहा वो कह नहीं पा रहा, वो अपने जो वो इंसान से अपनी बात जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। अच्छा, डिलीवर कौन कर रहे हैं? इंटरप्रेटर्स। भाई इंटरप्रेटर्स को ये राइट किसने दिया? मैं इंटरप्रेटर्स, मैं जो है स्कॉलर्स, मैं जो है ये उन सबको चैलेंज करता हूँ कि भाई जब आप ये दावा करते हैं, ये ईमान रखते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है और ये कंप्लीट बुक है, ये डिटेल बुक है, ये क्लियर कट बुक है, तो फिर आप लोगों की जरूरत क्यों है इस किताब के लिए? ये किताब खुद इसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि इसको पढ़ने वाला डायरेक्टली इसको समझ सके। तो हमारे स्कॉलर्स कहते हैं नहीं, आपको ये कुरान ऐसा समझ नहीं आएगा, आपको समझना है तो आपको हमें मानना होगा। तो यहां पर आकर मैं जो है स्कॉलर्स को चैलेंज करता हूं मैं जी। ये है असल बात। नहीं, असल बात ये है, लेकिन लेकिन मुझे एक बात मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि इतनी डिटेल आपका एनालिसिस है। अभी हाल में मौलाना अरशद मदनी हैं, उन्होंने एक और क्लेम किया कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म इस्लाम। उन्होंने क्लेम किया कि आदम जो है वो यहीं हिंदुस्तान में पैदा हुए और वही पहले व्यक्ति थे इस्लाम के मुताबिक, और उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर जो कटाक्ष किए मैं उन पे नहीं जाना चाहता, सनातन को लेकर जो कटाक्ष किए मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन क्या इस्लाम की कोई हिस्ट्री में या जितनी किताबें आपने पढ़ी हैं, कुरान पढ़ी है, क्या उसमें कहीं एक क्लेम मिलता है कि हिंदुस्तान में आदम आए, इसी जमीन पर पैदा हुए और उनसे पुराना कोई धर्म नहीं है? नहीं, देखें, यहाँ दो बातें जो है गड़बड़ कर दी गई है। एक बात यह है कि कुरान ये कहता जरूर है कि पहला इंसान आदम है, क्योंकि अल्लाह ने आदम को बनाया मिट्टी से और उसमें अपनी रूह अपनी जान डाली तो फिर वो जो है मतलब एक इंसान बन गया। इस तरह की बातें हमें कुरान में मिलती हैं।
लेकिन कुरान हो या कोई भी ऑथेंटिक हदीस में ये रेफरेंस कहीं भी नहीं मिलता कि आदम भारत में आए थे, ऐसा कहीं नहीं। कोई भी आपको मैं तो है ये तो पूरी दुनिया के स्कॉलर के सामने ये अगर मैं एक छोटा आदमी हूं, मैं चैलेंज तो नहीं करता, मैं कह सकता हूं कि है ये मुझे नहीं मिला। अगर कोई मेरे सामने ये बात रखे तो मैं उसकी बात कबूल करने के लिए तैयार, मुझे तो आज तक नहीं मिला। मैंने आज तक कभी जो है मेरी जिंदगी का इतना बड़ा टाइम मैंने अरब में गुजारा है, किसी अरब स्कॉलर को यह कहते नहीं सुना कि जो है वह आदम भारत में आए थे, कहीं किसी से नहीं, किसी से भी। वहां क्लेम क्या है अरब में, क्या क्लेम है, कहां आए थे आदम? नहीं, जाहिर बात है आपको हदीस से या कुरान से ये रेफरेंस कहीं भी नहीं मिलता कि आदम कहां आए थे। सिर्फ कुरान में इतना आता है कि अल्लाह ने आदम को ऊपर कहीं जन्नत में कहीं रखा था, फिर वहां से आदम और उनकी बीवी हव्वा को जमीन पर भेजा गया, उतारा गया, ये बात हमें कुरान में मिलती है। लेकिन जमीन में किस जगह, जाहिर बात है जमीन कोई छोटी गली कोई मोहल्ला नहीं है ना जी, जाहिर बात है जमीन तो पूरा एक ग्लोब है। समय को लेकर जिक्र है कि कब किस समय उतारा गया? नहीं नहीं नहीं, ना तो समय का जिक्र है ना जगह का जिक्र है। जमान और मकान को लेकर कुरान बिल्कुल खामोश है। कुरान तो कुरान, हदीस भी आपको और किसी ऑथेंटिक हदीस से ये रेफरेंस नहीं मिलता कि आदम भारत में आए थे, इसका सिरे से कोई सबूत नहीं, कोई सबूत नहीं। अगर कोई सबूत है तो मेरे सामने ऑथेंटिक हदीस या कुरान की किसी वर्क से जो है कभी पेश करें। सिर्फ वन साइडेड बात कह देना और सुनने वाले सिर्फ बुद्धों की तरह सुनते रहे, ये बात मुझे बहुत खटकती है कि देखें इस तरह की बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर की जाएं और जो है वहां आकर इस तरह के क्लेम किए जाएं और सुनने वाले चुप रहें। अरे भाई, ये आज के दौर में सचवाला जैसे हजारों लोग हैं, एक मुस्लिम हैं, ये इस तरह की बातें सुनकर सचवाला जैसे लोग चुप नहीं रहेंगे। सचवाला जैसे लोग सवाल उठाएंगे, पूछेंगे कि मौलाना आप ये जो कह रहे हो इसका सबूत क्या है जी, इसका क्या एविडेंस है। ये जाहिर बात है सचवाला भी उन्हीं लोगों में से है, सचवाला भी पूछ रहा है क्या सबूत है। सबूत कोई नहीं है, कोई सबूत नहीं है, सिरे से कोई सबूत नहीं है, ये है सर बात। नहीं, लेकिन अगर इस थ्योरी पे चलेंगे तो बहुत से धर्म ऐसे हैं जिनको लेकर प्रश्न उठ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जाने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको हर जगह मुश्किल होगी, तो हर जगह प्रश्न उठते रहे क्या? नहीं देखिए, ठीक है, यहाँ दो बातें हैं मेरे नजदीक, यानी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है या मैं यानी इन चीजों के जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, मुझे लगता है कि इंसान जो कि इंसान बन चुका है जी, इंसान जो कि इंसान बन चुका है, मतलब वो शऊर और जो है वो इंटेलेक्ट के उस लेवल पर आ गया है, तो अब उसको किसी मजहब की किसी जो है ये जो है लिखी लिखाई ऑर्गेनाइज जो है रिलीजन की या धर्म की जरूरत नहीं। ना ना ना, हर किसी देखें ये दीन धर्म या दीन जो है ये मजहब क्या होता है, असल में ये वो झुनझुने हैं, वो खिलौने हैं जो बच्चों के काम आते हैं। ये बच्चा जब बड़ा हो जाए तो अब इनकी जरूरत नहीं है उसको। तो मेरी बात उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इंटेलेक्ट के उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, जो अभी उसके नीचे हैं। ठीक है भाई, उनकी आस्थाएं, उनका ईमान, उनका अकीदा ठीक है, चलता रहे, मुझे इससे कोई जो है किसी के आस्थे पर आस्थे से कोई जो है कोई एतराज नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आपका या मेरा अगर कोई मानना है, कोई अकीदा है, तो वो अकीदा मेरे पॉकेट में, मेरे घर के अंदर होना चाहिए, उसको रोड पे नहीं आना है। मुझे ये कोई राइट नहीं है कि मैं अपने अकीदे को अपने बच्चे पर थोपूं, मेरे बेटे पर भी जो है मैं नहीं थोप सकता, मुझे ये राइट नहीं, मैं ये कहता हूं जी। मेरा बेटा भी जो करेगा वो उसकी अपनी सोच, उसको जो सही लगेगा वो करेगा जी। मुझे ये राइट नहीं है कि मैं अपनी बात किसी और पर थोपूं, लेकिन इस्लाम की प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी बात हर किसी पर थोपता है और जजमेंटल हो जाता है और कहता है कि यही अल्लाह का हुक्म है और ये पूरी दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है और हम चूंकि अल्लाह के मानने वाले हैं इसलिए ये दुनिया पर हम हुकूमत करेंगे और ये दुनिया के हम मालिक हैं, यहाँ पर हमारा मालिकाना जो है इस्तेहकाक है और दूसरे सारे धर्म वाले, दूसरे सारी कम्युनिटी वाले। लेकिन लेकिन इसके साथ एक सवाल ये भी है कि ये तो आस्तिक और नास्तिक की लड़ाई हो गई। आप कह रहे हैं कि इंटेलेक्ट के लेवल पे पहुंचने के बाद आपको ये लगेगा कि धर्म झुंझुना है और ये झुंझुना बजाया जाता रहा पिछले 40-50 साल जब तक कि आप इंटेलेक्ट के लेवल पे नहीं पहुंचे। लेकिन लेकिन जो दूसरे आलिम दीन हैं, जो दूसरे धर्माचार्य हैं, वो ये कहते हैं कि एक समय के बाद आपको ऊपर वाले को समर्पित कर देना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि 50-55 साल आप अपनी सामान्य जिंदगी जी लीजिए, इसके बाद खुदा के लिए आप अपने आप को रख दीजिए, जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं कि इसमें आप भजन पूजन करें बाद में। पहले तो जी मेरे भाई, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि खुदा आखिर है क्या जी, कि इसका फैसला या इसकी जो है इसकी डिफिनेशन आज तक कोई नहीं दे सका, कोई नहीं बता सका कि खुदा क्या है, कोई नहीं बता सका। तो देखें, खुदा को मानना, मैं किसी को मानने से रोक नहीं रहा, कोई मानना चाहे मान लो, मेरा उसके मानने से कोई एतराज नहीं है ना, कोई आपत्ति नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि
आपका मानना किसी और को जो है कोई हर्ट कोई जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आपका मानना रोडों को आकर ब्लॉक कर दे और जो है रोड पर आप जो है अपने मानने को लेकर जो है आप लोगों के रास्ते रोक देंगे, आप जो है लोगों की क्या, ये नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक है, लेकिन कई जगह जैसे ISIS है, कई जगह जैसे हमने देखा लश्कर तैयबा है, इंडियन मुजाहिदीन भी एक बीच में IM का नाम भी आया, उसमें तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्यों आता है कि जिहाद करना है, जिहाद के नाम पर युवाओं को भड़काकर उनको एक तरह से आतंकवादी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये कैसे होता है? क्या आपको लगता है कि इसके लिए वो इंसान ही जिम्मेदार है जो गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं इन बातों को, या वाकई ये लिखा हुआ है जिसको अल्लाह की बात कह के लोगों को समझाया जाता है? नहीं, स्पेशली जिहाद के बारे में कभी भी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होती। जिहाद जो कुछ है, जैसा कुछ है कुरान में, उसको वैसे ही बताया जाता है। बल्कि भारत में मिस इंटरप्रिटेशन इस तरह से होती है कि जिहाद नहीं करना है या जिहाद आज की तारीख में जरूरी नहीं है, ये मिस इंटरप्रिटेशन भारत में होती है। लेकिन जहां जहां इसको राइटली इंटरप्रेट किया जाता है, जैसा जो है ISIS है, बोको हराम है, अलकायदा है या तालिबान जो है ना, वो यानी अगर आप कुरान पर गौर करेंगे तो रियल मुस्लिम है, वो जो है हिपोक्रेट नहीं है, वो लोग मुनाफिक नहीं है, वो जो कुछ कुरान के टेक्स्ट में जो है उसको एज इट इज फॉलो भी करते हैं, वो एज इट इज उसको एडॉप्ट भी करते हैं, वो लागू भी करवाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुरान जैसा कुछ है, अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि जिहाद करना है और जहां जहां जिस तरह से होता है, लिटरली कुरान यही कह रहा है। बल्कि हमारे हमारे देश भारत में जो है हमारे स्कॉलर इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, जिहाद का मतलब यह है कि इंसान अपने नफ्स को जो है मतलब दबाए, नहीं, ये बात कुरान नहीं कह रहा। कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और अपने माल से यानी निकलो और जो है जो जो नहीं मानने वाले हैं उनको कत्ल करो और खुद भी कत्ल हो जाओ। अगर तुम उनको कत्ल करके आओगे और जिंदा आओगे तो तुम गाजी कहलाओगे, और अगर तुम मर गए तो तुम शहीद कहलाओगे। और शहीद के लिए है कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और जो है जन्नत में उसका जो है उसका दाखिला डायरेक्टली है, वहां हूरें उसका जो है स्वागत करेंगी। ये बात है कुरान में, इस तरह के है नहीं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब आप जो कर रहे हैं, जिन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, इसके पीछे आपके अब जीवन का उद्देश्य क्या है? क्योंकि आम आदमी के जीवन के कुछ टारगेट होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं कि हमने जो जीवन पाया है हम कुछ तो अच्छा करके जाएं। आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? आप डर भी रहे हैं, चेहरा भी छुपा रहे हैं, और आप ऐसी बात भी कर रहे हैं जिसको लेकर जरा सी बात एक कह दी गई उसके बाद सरतन से जुदा किनारे लगे, मर्डर भी हो गए। देखिए, ऐसा है कि कुरान की रियलिटी या इस्लाम की रियलिटी का दुनिया के सामने आना जरूरी है, और यही मेरा लक्ष्य है कि ये चीज जैसी है, इस्लाम जैसा है, एज इट इज, या कुरान जैसा है एज इट इज, वो दुनिया के सामने आए। उसके बाद अब मानने वालों की मर्जी। मैं किसी से ये नहीं कहता कि तुम इस्लाम को छोड़ो, ये कहने वाला ये राइट मुझे नहीं, मैं नहीं कहता इस्लाम को छोड़ने की या कुरान को छोड़ने की बात मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ कि कुरान की रियलिटी जान लो। मैं मुसलमानों से डेली कहता हूँ कि भाई कुरान के करीब आओ, कुरान को पढ़ो डायरेक्टली समझो, और जो है अपने स्कॉलर का दामन छोड़ो। लेकिन हमारे स्कॉलर क्या कहते हैं, कुरान से अपने मुसलमानों को दूर ले जाना चाहते हैं। उनको पता है कि जो आदमी कुरान के करीब आएगा तो फिर अब वो मुसलमान नहीं रहेगा, क्योंकि कुरान की रियलिटी जानने के बाद में अब उसके पास उसके दिल में ईमान नहीं रहेगा। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करता हूं, और वो सवाल ये है कि कौन सी वो पांच बातें हैं, जरा मुझे शॉर्ट में समझाइएगा, कौन सी वो चार पांच बातें हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको लगा कि नहीं, अब ये रास्ता ठीक है जो आपने अब चुन लिया है? यानी मतलब कुरान में पढ़ने की बात कह रहे हैं? जी जी जी, कुरान में। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यानी जितना मैंने कुरान पर गौर किया, वो मुझे अल्लाह जिसे कहा जाता है उसका कलाम नहीं लगा। ठीक है, ना तो लिटरली लगा, और ना जो है जब आप उसको पढ़ते हैं तो जो है वो किसी भी एंगल से नहीं लगा। ये एक बात। दूसरी बात, जिसको दुनिया प्रॉफिट समझती है और उस पर ईमान लाती है, मुझे वो शख्स सच्चा नहीं लगा। यानी देखें कि पूरे के पूरे यानी ऑथेंटिक इस्लामिक लिटरेचर में उस शख्स के बारे में ये कहीं नहीं लिखा है कि वो शख्स अस्सादिक अल अमीन यानी सच्चा था, ट्रस्ट पड़ती था, ऐसा कहीं नहीं मिलता, कहीं भी नहीं जी, पूरे कुरान में नहीं और पूरे ऑथेंटिक लिटरेचर में नहीं। तो एक ऐसा शख्स जो किसी जमाने में कहीं गुजर गया, लगभग आज से जो है 1400-1500 साल पहले, जिसके बारे में हमारे पास लिटरली कोई जो है इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए एक एक जो है जो शख्स दुनिया में नहीं है, जो मुर्दा है, उसके लिए लोग जिंदा इंसानों का खून बहा देते हैं, ये बात मुझे बहुत खलती है जी।
क्योंकि जिसके बारे में आपके पास कोई लिटरल इंफॉर्मेशन नहीं है, जितनी बातें हैं सारी की सारी सुनी सुनाई है जी, सारी की सारी कही सुनी बातें, इस पर बुनियाद, इसको बुनियाद बनाकर इंसान जो है जिंदा इंसान को मार डालते हैं। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि खुद इस किताब के बारे में जिस तरह से मैंने कहा कि इसके जब ये लिटरली कोई अल्लाह का कलाम किसी भी एंगल से नहीं है, तो जाहिर बात है अब हम देखेंगे कि भाई इसमें जो बातें लिखी हैं क्या हमारे लिए इनको मानना जरूरी है। जाहिर बात है जो है जब आपने देख लिया कि ये चीज जो है किसी अल्लाह का या किसी जो है सुप्रीम बीइंग का कलाम नहीं है, तो ये क्यों जरूरी है कि हम इस किताब को एज इट इज फॉलो करें। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे, अगर इसमें कहीं कोई अच्छी बात है उसको ले लेंगे, और जो बातें अच्छी नहीं है उनको रद्द कर देंगे, उनको जो है रिजेक्ट कर देंगे। तो ये चीज हमारे स्कॉलर नहीं कहते, आपको जब आप मानना है तो उसकी एक एक चीज को एज इट इज मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर जो है मुझे बहुत बड़ा इख्तलाफ होता है। और चौथी बात यह है कि जिसे हम मक्का कहते हैं, जिस सिटी को मक्का कहा गया है, उस सिटी के बारे में मैंने जितना कुछ हिस्टोरिकली जो है उसको जो है चेक किया, उसके बारे में स्टडी की, वो सिटी आपको 7th century से पहले उसका कोई वजूद नहीं था, इसका आपके पास किसी भी एंगल से कोई जो है आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। इवन कुरान भी जिस जगह जाहिर हुआ, जिस जगह अपियर हुआ, वो खुद भी मक्का नहीं है, ये बात खुद कुरान से साबित होती है। इसको मैंने अपने चैनल पर कई बार लोगों के सामने पेश किया है, क्योंकि अब मैंने आपने सवाल किया तो मैंने इसको शॉर्ट में ब्रीफली बता दिया, लेकिन जिन लोगों को इन बारे में जो है ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ जानकारी करना है, तो मेरे चैनल पर विजिट करें, सचवाला यूट्यूब पर ये चैनल है, उस पर आए, मैं आपकी बात जो है खुलकर बताऊंगा और एक एक एविडेंस में दूंगा। जी ठीक है, तो ये सचवाला साहब, ये जो आपने तमाम बातें कही हैं, मैं अरबी का या कुरान का कोई जानकार नहीं हूं, लेकिन ये आपकी राय भी है। मैं इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि ये सारे लोग जो कहते हैं, जो आपने भी बात कही, कि अगर इस्लाम को सच्चे मायनों में जानना है तो आपको कुरान पढ़नी चाहिए।